स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आयनिक बांड के बारे में और साथ में एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आयनिक बांड होता है ये होता है कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि जब एक एटम एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उसके रिजल्ट में जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब इसमें दो तीन कंसेप्ट आएंगे, कुछ आपके प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर वो कंसेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, इट्स अ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है, ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यह हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं तो उसके रिजल्ट में कैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब एटम क्या कहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसके रिजल्ट में किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटायन की। ठीक है, और कैटायन को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जब एटम आपके पास क्या कहते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा एटम कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके रिजल्ट में जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसका हम कहते हैं एनायन। और कैटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होते हैं, पॉजिटिव, और एनायन के ऊपर चार्ज कौन सा होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो दो नई स्पीशीज बनती हैं, एक कैटायन और एनायन, ये अपोजिटली चार्ज स्पीशीज क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, एक एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो बनाता है कैटायन और वो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, और जो दूसरा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या करते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनायन। अब वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कैटायन और एनायन को होल्ड किए रखती है, जोड़े रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। और जो सेकंड डेफिनेशन है ना, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद बाइंड अपोजिटली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये देखें जो अपोजिटली चार्ज आयन्स में, जैसे आपको पता है कैटायन और एनायन, इनको जो फोर्स होल्ड किए रखती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम NaCl के एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और कि अपोजिटली चार्ज आयन कैसे बाइंड करते हैं। ठीक है, अब NaCl, उसके लिए हमें सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की 17 होती है और इसको हम कहते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब कोई भी जो एटम होते हैं ना, हम जब भी केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं हम कहते हैं कि वो उसकी टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करे तो उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करे तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो हर एक एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करता है। ठीक है, बाय लूजिंग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग भी होती है, वो हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये देखें जो होता है ना सोडियम, ठीक है, इसका ये आखिरी शेल होता है। ठीक है, ये 3s1, इस केस में अगर हम देखें तो पहला ये शेल हो गया। ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे में क्या होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ये 3s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, अब या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर ये एक लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 गेन करना मुश्किल होते हैं, एक लॉस करना क्या होते हैं, ईजी होते हैं। इस वजह से सोडियम क्या करते हैं, सोडियम क्योंकि मेटल्स होती हैं और मेटल्स की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, इस वजह से सोडियम क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये जो 3s1 के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। हम इसको लिखते कैसे हैं, Na gives to form Na positive plus E negative। ठीक है, और ये जो Na positive होते हैं ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p6।
अब ये वैलेंस शेल होते हैं और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है और ये स्टेबल होती है, ठीक है। अब ये वाले जो सोडियम आयन होते हैं इन्हें पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन की अगर हम देखें वैलेंस शेल, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 3s के अंदर 2 होते हैं, 3p के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। अब जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन कैसे स्टेबल होते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, ठीक। अब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना तो ईजी नहीं होता, एक गेन करना क्या होता है, क्वाइट ईजी होता है। इस वजह से क्या करता है कि जो क्लोरीन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, वो फिर नेगेटिव चार्ज स्पेशल, उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं Cl+E- जो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, दैट गिव्स टू फॉर्म Cl-, ठीक है। और ये जो Cl- होता है, इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाते हैं। अब इसके जो वैलेंस शेल है, ठीक है, उसके अंदर कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो आयन होते हैं क्लोराइड आयन और ये जो सोडियम आयन, ठीक है, आपस में एक, इसको हम कहते हैं कैट आयन और इसको हम क्या कहते हैं, एन आयन। हमने पहले डेफिनेशन में बात की थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो अपोजिटली चार्ज आयन्स के दरमियान में होती है, जो उनको बाइंड किए रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एन ए पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव और Cl-, जिसको हम कहते हैं NaCl। अब इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक एटम अपना कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे इस केस में हम विद स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ये इसका आखिरी शेल है, ठीक है, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये लॉस होते हैं, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं, क्लोरीन में आ जाते हैं, और इसके पीछे ये 8 बच जाते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर। और इसके क्या होते हैं, वो भी इसके भी 8 बच जाते हैं। अगर हम नए इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखें या नए स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे होते हैं, पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल के अंदर इसके कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इसके ऊपर जो नेट चार्ज होते हैं, ठीक है, वो कौन से आ जाते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आयन्स को हम कहते हैं कैटायन। और जब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में क्या होते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और थर्ड शेल में पहले 7 थे, अब कितने हो जाते हैं, 8 कंप्लीट हो जाते हैं, उसका ऑक्टेट क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके रिजल्ट में ये जो स्पीशीज बनती है, ठीक है, ये कैटायन और ये जो एनायन बनते हैं, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, MgCl2, इसके इसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और 2 क्लोरीन होते हैं, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दूसरे क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सेम मैनर में हम उसके भी फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।